स्वेच्छा की और अपने पसंद की राजनीति का खेल चल रहा है मैं वैसे चलिए इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश मिथलेश जैमिनी जी से करता हूं मिथलेश जी अंदर तक आपके सूत्र रहते हैं क्या कुछ चहचहाट हो रही है वो आपके कानों में पहुंच जाती है मिथलेश जैमिनी जी जरा बताएं कि आज जो लगातार मीटिंग हुई हैं ये कॉन्फिडेंस है या घबराहट है और बातचीत क्या हुई होगी बीजेपी की तो कोई बैठक नहीं हो रही है कोई मुलाकात हमको होती दिखाई नहीं रही मंदिर मंदिर अभी जा रहे टेम्पल रन चल रहा है देखिए निश्चित रूप से आज अशोक गहलोत ने कॉन्फिडेंस के अंदाज में लोगों से मुलाकात की और जो सोर्स बता रहे हैं कि 18 निर्दलीय विधायकों को उन्होंने रिसोर्ट में भी पहुंचा दिया है

जो रिपोर्ट आई है उसमें सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं और ऐसा होता है कि अशोक गहलोत के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो आज ये भी तय हो चुका कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस सीपी जोशी को बनाने में भी गुरेज नहीं रखेगी तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी में मैडम का प्लान चल रहा है कि वो बागेश्वर धाम की ढोक लगा के आई है और उधर भी केंद्रीय जो इनका सूत्र है वो बता रहे हैं कि पूरी तरह वहां भी रणनीति बन चुकी है अगर नर्वस नाइंटी का गेम होता है तो वहां भी प्लानिंग पूरी हो चुकी है धनबल और जो उड़ान भरने के लिए चौपर तैयार हैं नहीं वहां पे तो कौन तो रणनीति को देख रहा है कि हम वहां एक... कौन रणनीति का सूत्रधार है देखिए वहां केंद्र देखिए वहां पर केंद्रीय सूत्र देख रहे हैं सीपी जोशी उसको और चंद्रशेखर को थोड़ा इन्वॉल्व किया गया है लेकिन चंद्रशेखर की भी रिपोर्ट गई कि कई टिकट गलत बंटवा दिए उनको भी हाशिए पर ले जाया जा रहा है और राजेंद्र राठौड़ जो जोड़ तोड़ में माहिर है यानी दो जोड़ तोड़ के खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ सात बार के एमएलए रह चुके हैं और वो जनता दल से भाजपा में आए वो भी जोड़ तोड़ जानते हैं अशोक गहलोत की टक्कर में कोई बीजेपी की तरफ से थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ में बैटिंग कर सकता है, है। तो वो राजेंद्र राठौड़ यहां कौन सा रिजोर्ट हुआ है क्या क्या सुविधाएं वहां पर देखिए वहां तमाम लग्जरी सुविधाएं जो अशोक गहलोत इसमें मास्टर रहे हैं पहले भी उन्होंने किया दूसरी तरफ भी ट्रबल शूटर देखिए बीजेपी में भी ये तैयारी पूरी हो चुकी है पूरी रणनीति बन चुकी है और सीधा अमित शाह इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि अगर अंडर 95 फाइव आती क्योंकि चंद्रबान आक्या रविंद्र सिंह भाटी कई जीवाराम कई ऐसे हैं जो जीत रहे हैं बीजेपी के बागी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सवाई माधोपुर की सीट भी जो इनके सबसे बड़े फेस रहे पिछले साढ़े चार साल में वो भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं और आशा मीणा का कहीं कि रायता नहीं बिगाड़ दे क्रोडेलाल जी का वो भी सर्वे में तो दूसरे